नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रेय और मैं हूं आपका होस्ट। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं एक ऐसी ट्रिक के बारे में जिससे आप अपने फेसबुक फॉलोअर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा पाएंगे और वो भी विदाउट किसी ऐप के। तो कौन सी है ये ट्रिक मैं आप लोगों को बताने वाला हूं इस वीडियो में। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप जितनी भी आपकी सेटिंग होंगी फेसबुक में उन सब में आप लोगों को पब्लिक करना होगा या फिर एवरीवन करना होगा। तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट को मेरे ध्यान से देख लीजिए, जो मैंने सेटिंग एवरीवन कर रखी है और पब्लिक कर रखी है वही आप लोगों को एडिटिस कर लेनी है। तो बीच बीच में स्क्रीनशॉट आएंगे, आप लोगों को उसको ध्यान में रखना होगा। तो आपको सर्च करना है vipfb.in। तो जैसे ही आप सर्च करेंगे क्रोम में चाहे कोई भी ब्राउज़र हो तो यहाँ पे उनकी वेबसाइट खुल जाती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वेलकम टू vipfb ऑटो रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें ऑटो लाइक ले सकते हैं, कमेंट ले सकते हैं, फैन पेज पे भी आप अपने लाइक ले सकते हैं, फॉलोवर बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप आपको करना है क्लिक हेयर जो ब्लू से बना हुआ है, तो उस पर आपको क्लिक करना है सबसे पहला। तो इसे ध्यान में रखिए सबसे पहले। उससे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि मेरे फेसबुक में पहले से कितने फॉलोवर हैं, मतलब कि मेरी कितनी फ्रेंड रिक्वेस्ट मुझे पहले आई हुई है। तो पहले वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो मेरी 90 के आसपास है, 90 है, वो भी मैंने इसी से बनाई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 90 फ्रेंड रिक्वेस्ट मुझे आई हुई है। तो इससे पहले मैंने एक बार अभी इसको यूज़ किया था टेस्ट करने के लिए, तो ये ट्रिक काम कर रही है। तो अभी आप देख सकते हैं 90 है। अब मैं यहाँ से करता हूँ, तो यहाँ पे आपको क्लिक हेयर पे क्लिक करना है। उसके बाद ये आपको ले जाएगा नेक्स्ट पेज में जहाँ पे आपको टोकन के लिए बोलता है, जहाँ पे आपको टोकन मिलेगा। तो यहाँ पे मैं अभी लॉगिन कर रहा हूँ क्योंकि लॉगिन करना है, उसके बाद आपको टोकन मिलता है। तो तब तक आप ये स्क्रीनशॉट देख लीजिए एवरीवन वाले, जो आपको सेटिंग्स में जाके प्राइवेसी में जाके एवरीवन करना है। तो अब लॉगिन हो चुका है, तो मैंने अपनी आईडी पासवर्ड डाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोकन मिल चुका है मुझे। तो अब इसको पूरा कॉपी करना होगा, तो मैंने सेलेक्ट ऑल करके कॉपी कर दिया है। उसके बाद मुझे वापस उसी पेज में जाना है। तो ये ग्रीन वाला बटन देख रहे हैं, तो ये आपको वापस पहले पेज में ले जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वापस से हम उसी पेज में आ चुके हैं। तो अब यहाँ पे क्या करना है, जहाँ पे टोकन का ये है देखिए पेस्ट करना है। यहाँ पे आपको टोकन जो आपको मिल चुका है जो नीचे यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है उस टोकन को। तो ये पेस्ट हो चुका है और यहाँ से सबमिट कर देना है। तो जैसे आप सबमिट करते हैं तो ये आपको ले जाएगा नेक्स्ट पेज पे। तो जहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा कि आपको क्या चाहिए, ऑटो रिक्वेस्ट चाहिए और लाइक चाहिए, तो जो भी आपको चाहिए। तो मैंने यहाँ पे ऑटो रिक्वेस्ट पे कर लिया है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज में ले जाता है ये, जहाँ पे इन्फॉर्मेशन यही सब बताता है कि आप एवरीवन कर लीजिए स्टेप्स अपने सारी प्राइवेसी। तो यहाँ पे टोकन देख रहे हैं, पेस्ट किया है, सबमिट करना है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पेज आया है जहाँ पे आपको पहले वाले ऑप्शन पे करना है क्लिक। उसके बाद ये पूछता है कैप्चा कोड, ये जो लिखा हुआ है वही आपको एज इट इज़ लिख देना है। तो जैसे आप ये लिखते हैं तो आपके फ्रेंड रिक्वेस्ट आना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद एक कोड और मैं लिख देता हूँ, उसके बाद 161216। तो जैसे ही लिखते हैं अभी मैं दिखाता हूँ, वहाँ पे रिक्वेस्ट आ चुकी होंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी रिफ्रेश करता हूँ मैं, 90 थी। लोड हो रहा है, नेट काफ़ी स्लो है। तो अभी आप देख सकते हैं 93 रिक्वेस्ट मुझे और आ गई है। मैं टोटल दिखा देता हूँ 183। तो देखा आप लोगों ने पहले 93 पे 93 और रिक्वेस्ट मिली। तो इस तरीके से रिक्वेस्ट मिलती हैं, आप इनको एक्सेप्ट मत करिएगा तो ये बाद में आपके फॉलोवर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज की ट्रिक आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।